आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रुटियों तक पढ़ लिया था और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सार्थक अंक, या यूँ कहूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई भी संख्या है उसको अगर हमें शुद्ध रूप में व्यक्त करना है तो शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। देखिएगा, किसी संख्या को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के मुख्य नियम निम्न हैं। देखिएगा, नंबर एक, प्रथम नियम। देखो, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कि अगर किसी संख्या में कोई अशून्य अंक दिए हुए हों तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे यहाँ 585 है, इसमें तीन अशून्य अंक हैं तो ये इसका सार्थक अंक कितना रहेगा? इसका सार्थक अंक रहेगा 3। क्लियर? तो देखो, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 585 में 3 सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? अगला देखो, नंबर दो, द्वितीय नियम। अगर दो अशून्य अंक हैं उनके बीच में कोई शून्य अंक आ जाए तो वो शून्य अंक भी सार्थक अंक में गिना जाता है। तो देखो, आप दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे 1058, इसमें देखो 1 और 5 के बीच में 0 आ रहा है तो इस 0 को भी सार्थक अंक में गिना जाएगा और इसके सार्थक अंक हो गए 1, 2, 3 और 4। अतः 1058 में सार्थक अंक 4 है। तृतीय नियम, अगर मान लीजिए एक से कम संख्या होने पर दशमलव के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे ये संख्या देखो आप, ये दशमलव की है और एक से छोटी है, तो इसमें एक से छोटी जो संख्या है उस संख्या में अगर पॉइंट के बाद जो शून्य आ रहे हैं वो शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, इसलिए ये जो दो शून्य हैं ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे और इसमें केवल दो सार्थक अंक, 3 और 4, केवल दो सार्थक अंक उपस्थित रहते हैं। तो देखो, एक से कम संख्या होने पर दशमलव के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 0.0034 में सार्थक अंक 2 होते हैं। चतुर्थ नियम देखिएगा, दशमलव वाली संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद, अगर कोई संख्या दशमलव वाली है और उसमें अंतिम अशून्य अंक के बाद जो शून्य अंक आते हैं वो भी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। देखो, यहाँ 4 के बाद जो 2 जीरो आ रहे हैं ये सार्थक अंक में गिने जाते हैं, पर इसमें ये नहीं गिने जा रहे हैं। ये आपको याद रखना है कि एक से छोटी संख्या में जो शुरुआत के जो शून्य अंक हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी संख्या हो, इसमें दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक हो और उसके बाद जो भी शून्य अंक आते हैं वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं। तो देखो, 1.400 में कितने अंक है सार्थक? 4 अंक हैं। आगे देखिए अब पंचम नियम कहता है कि एक से बड़ी संख्या में, अगर कोई संख्या एक से बड़ी हो, अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे 2000 में 1 सार्थक अंक होता है। मतलब जैसे 2000 है, इसके बाद में 3 जीरो है ना, तो इसका मतलब ये समझो आप कि जो 2000 है इसको मैं 2×10³ लिख सकता हूँ और 10³ को कभी सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है, इसलिए इसका सार्थक अंक केवल 1 रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर है 2। तो एक से बड़ी संख्या हो तो उसमें अशून्य के बाद जो शून्य अंक आते हैं वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाते। षष्टम नियम, अंतिम शून्येतर अंक के दाहिनी ओर आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। जैसे दो स्थानों के मध्य की दूरी 2070 मीटर प्राप्त हुई तो सार्थक अंक 4,
देखो पिछले पंचम नियम के अकॉर्डिंग तो ये जीरो लास्ट में आ रहा था, इसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, लेकिन इसके आगे मीटर लगा रखा है, मात्रक लिख रखा है, तो ये जीरो क्या है, ये जीरो बीच में आ गया, ऐसे समझ लो आप कि मात्रक लग जाने से ये जीरो बीच में आ गया है, और इस पोजिशन में जो जीरो होगा वो जीरो अशून्य अंक होगा। क्लियर? अशून्य अंक सॉरी जीरो जो है वो सार्थक अंक में काउंट होगा, तो यहाँ पर चार सार्थक अंक है। सप्तम नियम, 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जा सकता। जो 10 की घातें होती हैं वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होती हैं। जैसे 1.61 × 10^20 में 3 सार्थक अंक होते हैं। क्लियर? -20 में 3 सार्थक अंक होते हैं, तो यहाँ 1, 2 और 3 3 सार्थक अंक हो गए, 10 की पावर सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती है। अष्टम नियम, दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। जैसे 787.6, 78.76 में 4 सार्थक अंक हैं, मतलब कि इस पॉइंट को यहाँ की जगह अगर यहाँ लगा दें तो भी 4 सार्थक अंक है, अगर 7.876 कर देंगे तो भी 4 ही सार्थक अंक रहेंगे। तो किसी संख्या में दशमलव की स्थिति को बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं। क्लियर? तब सार्थक अंकों पर आधारित हम एग्जाम्पल पढ़ने चाह रहे हैं, और एग्जाम्पल देखिएगा कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए, किस किस की देखो आप। पहला है ए 0.007 मीटर स्क्वायर, तो देखो शुरुआत की जो जीरो होती है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होती हैं, इसलिए इसका सार्थक अंक है केवल 1 जो कि 7 है। बी है 2.64 × 10^24 kg, इसमें देखो 24 जो होता है तो 10^24 जो है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता, इसलिए 1, 2 और 3 3 सार्थक अंक है, 2, 6 और 4। सी है 0.2370, अब देखा आपने लास्ट में जीरो तो है लेकिन इसके बाद एक कोई यूनिट लिख रखी है, तो ये जीरो भी सार्थक अंक में काउंट होगा, तो 1, 2, 3 और 4 इसके सार्थक अंक रहेंगे, 2, 3, 7 और 0। इसी प्रकार इसका भी जीरो काउंट होगा, 1, 2, 3 और 4, तो इसके भी 4 रहेंगे, 6, 3, 2 और 0। अगला देखो, इसमें भी काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये 0, 2 के बीच में आ रहा है, तो इसके भी 4 रहेंगे, और इसमें शुरू के 0 काउंट नहीं होंगे, 1, 2, 3, 4 काउंट होंगे, ये इसके 4 काउंट हो गए हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये जो लिख रखा है आपको अंकों को पूर्णांकित करना, ये टॉपिक है शायद आपके सिलेबस में नहीं है, राजस्थान बोर्ड वाले में था पहले वाले में, अब नहीं है, पर इसको आप थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, उतार लेना उतार सको तो, और समझ में भी आ जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ सकती है आगे चलने पर। सुनना ध्यान से, अंकों को हम पूर्णांकित कैसे करते हैं। जैसे 5.32 है, इसमें लास्ट का अक्षर क्या है बेटा, 2, और 2 5 से छोटा है, इसलिए पहले वाले अक्षर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 2 को आप हटा सकते हैं, तो ये 5.3 बन गया। ठीक इसी प्रकार 15.752 है, तो लास्ट में क्या है भाई, 2, हटा दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है 5, अब ये 5 है तो 5 के जो पहले 7 है ना, अगर 5 के पहले की संख्या विषम है तब तो ये एक अंक बढ़ जाता है, लेकिन अगर 5 के पहले की संख्या अगर सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चूंकि 5 के पहले 7 है जो कि विषम है, तो 7 का क्या बन जाएगा, एक अंक ज़्यादा 8, तो ये हो गया 15.8। क्लियर? इसी प्रकार देखो 4.67 है, लास्ट में 7 है, तो ये 5 से बड़ा है तो इस 6 का क्या बना देगा, ये 7 बना देगा, ये बन गया 4.7। अगला देखिए 4.250 है, 0 को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब 5 आ गया, अब 5 के पहले 2 है जो कि सम संख्या है, और सम संख्या होने के कारण ये 2 का 2 ही रहेगा, तो ये 4.2 हो गया। और अगला है 2.750, तो 0 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब 5 के पहले 7 है, तो जब 5 को हटाओगे तो 7 का क्या बन जाएगा, 8, तो ये हो गया 2.8। क्लियर? ये देखो ये लिख रखा है, मैंने 5 के बाद 0 है तो उसको हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 के पहले सम है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हटा दो, और 5 के बाद 0 है तो उसको हटा दो, और 5 के पहले विषम है
तो एक अंक वो बढ़ जाएगा। जैसे ये और देखो 2.850, शून्य को हटा दो, पाँच के पहले आठ है जो कि सम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2.8 हो जाएगा। तो ये आप उतारो या न उतारो, लेकिन इसको याद जरूर कर लेना, इसकी अपने को जरूरत पड़ सकती है आगे चलने पर। अब हम बात करते हैं पूर्व लग्नक प्रीफिक्स की, और पूर्व लग्नक आपको याद करने हैं। देखो आप कैसे कैसे इनको याद कर सकते हो। देखो अगर 10 की पावर माइनस का एक है तो उसको हम डेसी कहते हैं, डी ई सी आई डेसी, जिसको स्मॉल डी से लिखते हैं। 10 की पावर माइनस का दो है तो उसको हम सेंटी कहते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर बोलते हैं, तो मीटर से पहले सेंटी आ रहा है, तो सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का दो, और सेंटीमीटर को सी एम से लिखते हैं, तो सी से बनता है सेंटी, एम से बनता है मीटर। 10^3 मिली, मिलीमीटर भी बोलते हैं हम, तो 10^3 को बोलते हैं मिली, और मिली को स्मॉल एम से लिखते हैं। फिर माइक्रो, 10^6 को बोलते हैं माइक्रो, ये इसका सिंबल है, छोटा यू बनाकर ऐसी लाइन खींच दो, माइक्रो बन जाएगा। फिर नैनो, 10^9 को नैनो बोलते हैं, और ये नैनो को छोटे एन से लिखते हैं। टाटा की नैनो कार का नाम यहीं से दिया गया था। पिको, पिको का मतलब 10^12 होता है या 12 होता है, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं। फेमटो को 10^15 से लिखते हैं, इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसी प्रकार 10^1 को डेका, डी ए, 2 को हेक्टा बोलते हैं ना, हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर जमीन है, हेक्टेयर का मतलब होता है 100, 10^2 का मतलब क्या होता है 100, तो हेक्टेयर का मतलब जैसे कोई कह रहे 50 हेक्टेयर जमीन है, इसका मतलब 50×100 एयर जमीन है। किलो, हम बोलते हैं ना 5 किलो चीनी, 5 किलो बोलना गलत है, 5 किलोग्राम बोलना चाहिए। किलो का मतलब तो केवल 10^3 होता है बस, अब उसके आगे ग्राम लगेगा तो किलोग्राम बन जाएगा, किलो के आगे मीटर लगेगा तो किलोमीटर बन जाएगा, समझ में आई बात। अब देखो 10^3 किलो, तो किलो को के से लिखते हैं। इसके बाद मेगा, मेगा को कैपिटल एम से लिखते हैं, ये 10^6 के बराबर होता है। गीगा कैपिटल जी से लिखते हैं, जो 10^9 के बराबर होता है। और टेरा 10^12 के बराबर होता है, इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। क्लियर। तो ये सब बातें हैं इसके पूर्व लग्नक की, जो एक सिंपल सी बातें थी, आपको ये सब आनी चाहिए। अगर आपको आप यहाँ तक अच्छे से अगर याद कर लो इस चैप्टर को, जो मैंने अब तक जितने भी वीडियो आपको पढ़ाए वो अगर अब तक आपको सही से अच्छे से याद हो गए हैं, तो अगले आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र, जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा और सबसे लेंदी, कठिन और याद करने लायक, और जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, विमीय सूत्र। क्लियर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन ठीक नीचे दिया लाल कलर का, उसे दबा दें, दबाते बेल आइकन आएगा उसे भी दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगा। और भी जो कोई बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी आप इस चैनल से जोड़ें, ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।